हेलो दोस्तों, आप सभी लोग के लिए एक बहुत ही बड़ा एक तरह करके एक अपडेट आया हुआ है या फिर एक तरह से एक सूचना आया है। खासकर मॉल IIT1 में जो लोग काम कर रहे हैं और कोरियर सर्विस लेकर काम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ी जानकारी है। ठीक है, तो ये वीडियो आप पूरा ध्यान से देखते जाइएगा, मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ में आप बने रहिए, आपको जानकारी मिल जाने वाली है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील करना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा घंटी कॉल पे क्लिक करके, ताकि ऐसे ही मज़ेदार आपको वीडियो समय समय पे मिलती रहे। पहले आपको सबसे पहले मॉल IIT1 एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। अब जैसे ही आपका मॉल IIT1 एप्लीकेशन ओपन होता है तो यहाँ पर आपको आ जाना होगा Career 91, या फिर अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा तो आप ऐप्स वाले ऑप्शन पर चले जाएँगे। यहाँ पर तो यहाँ पर आपको Career 91 वाला जो सेक्शन है वो मिल जाएगा। यहाँ पर तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये Career 91 का खुल जाने वाला है। लेकिन उसको खोलने से पहले ये आपको एक नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा प्रक्रिया फॉर्म। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पे आप मॉल IIT1 में कोरियर सर्विस मिलता है आपको या फिर आप लेते हैं, तो जैसे आपको कोरियर सर्विस मिल जाता है तो उसी समय आपके जो पिन कोड है या फिर आप जो कोरियर पार्टनर बने हैं आप को सहायता प्रदान करने के लिए या फिर आपको बेहतर तरीके से आपको बताने के लिए या फिर सभी जानकारी प्रोवाइड करने के लिए या फिर बेहतर तरीके से हेल्प के लिए आपको एक एरिया मैनेजर स्पेसिफिक रूप से दिया जाता है, जो कि आपको बेहतर तरीके से आपसे बात कर सके या फिर आपको इसके बारे में गाइड कर सके, बता सके, या फिर किसी भी प्रकार का समस्या हो वो अलग से आपको हेल्प कर सके। ठीक है, क्योंकि आप एक तरह से करके कोरियर पार्टनर हैं, तो यहाँ पे आपको बेहतर तरीके से काम करने का मौका दिया जाए और बेहतर तरीके से काम करें ताकि कंपनी और बेहतर तरीके से यहाँ पे काम कर सके और जो भी उनके यूज़र हैं, कस्टमर हैं, उनको बेहतर तरीके से सर्विस मिल सके मॉल IIT1 की तरफ से। तो यहाँ पर आप पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए या फॉर्म या फिर देख लीजिए, आपको भी ऐसा फॉर्म आ सकता है या फिर आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो मिल गया है तो भी इसको देख लीजिए या फिर सबमिट कर दिए हैं तो भी देख लीजिए, अगर नहीं किए हैं अभी तक फिर भी देख लीजिए, हो सकता है आपको आगे चल के काम में आ जाए। तो देखिए, आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रक्रिया फॉर्म लिखा गया है। यहाँ पे लिखा है अपने Career 91 मित्र के लिए आपका सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हमें इसे और बेहतर बनाने में सहायता होगी। मतलब कंपनी ये बोले कि अगर आप यहाँ पे प्रक्रिया अगर देते हैं तो यहाँ पे हमको कंपनी को आगे बढ़ाने में या फिर उसको बेहतर बनाने में मुझे सहायता प्रदान होगी। लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें लिखा गया है, क्या आपको आपके Career 91 मित्र का नाम पता है? मतलब जो आपका एरिया मैनेजर है उसका नाम आपको पता है या फिर नहीं? अगर पता है तो यस करेंगे, अगर नहीं पता है तो नो पे क्लिक करेंगे। अब हम अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा, क्या पिछले 15 दिनों में आपके Career 91 मित्र ने आपसे संपर्क किया है? एस या नो, मतलब कि आपके जो एरिया मैनेजर है क्या उसने 15 दिनों के अंदर आपको कॉल किया है या फिर नहीं किया है? अगर सही है, उसने किया है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो नो पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद में, क्या आपको Career 91 में किस प्रकार का कार्य करना है उसके ट्रेनिंग सही प्रकार से मिली है? यस या नो, अगर जो भी आपको लगता है उस पर आप क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर लिखा है, क्या आपके द्वारा बताए गए समस्याओं का समाधान आपको उचित समय से मिल रहा है? यहाँ पे एस या नो में करना है। तो यहाँ पे अगर हाँ मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिल पाता तो वहाँ पे आपको लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में लिखा है अन्य सूचना, वैकल्पिक लिखा है, मतलब यहाँ पे आप इसको फिल कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, इसमें कोई आपको टारगेटिंग नहीं किया गया है, लेकिन ये सभी आपको भरने अनिवार्य होंगे। और यहाँ पे लिखा है अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी ऐसे कुछ बातें हैं जो कि आप इसमें शेयर नहीं कर पाए हैं या फिर नहीं टिक कर पाए हैं तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं या फिर इसमें व्यवस्थित रूप से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं चलिए इसको फॉर्म को फिलअप कर देता हूँ, उसके बाद में फिर हम सबमिट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, हमने जो फॉर्म भरना था या फिर जो लिखना था मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे हमको क्लिक कर देना होगा। अब जैसे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाता है योर फीडबैक इज सबमिट सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर फीडबैक। ठीक है, जो भी मेरा यहाँ पे फीडबैक है वो फीडबैक यहाँ पे ले लिया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आप इस कोरियर पैटर्न पे अगर हैं तो इसमें जो भी चीज़ें आपको चेंजिंग हो रही है या फिर जो भी चीज़ आ रही हैं तो उसके बारे में आपको अपडेट होना चाहिए या फिर आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो बनाकर स्पेशल तरीके से आपको देना चाहा इस चैनल पे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा समझ पाए होंगे, देख पाए होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा यार, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल फ्री होता है। और जो भी आपके दोस्त में कोई अगर कोरियर पार्टनर बना है या फिर ज्वाइन किया है तो उसको ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर ये फॉर्म आप पहले ही सबमिट कर चुके हैं या फिर नए किए थे तो भी इसके बारे में बताइएगा, जिससे मुझे पता लग जाएगा कितने लोग सबमिट किए थे, कितने लोग सबमिट
नहीं किए थे, वीडियो का इंतजार कर रहे थे। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा घंटी को ऑल पे क्लिक करके, ताकि ऐसे अपडेट या फिर ऐसे वीडियो आपको, नॉलेजफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।